अच्छा तो बच्चों, DUHS ने अपनी वेबसाइट पर ये अनाउंस कर दिया है कि फ़ौरन से आप जाकर उनकी वेबसाइट पर कंप्लेन जनरेट करें। जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम लगे हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उनको फ़ौरन जाके चैलेंज करें। और कैसे करेंगे आप इस वेबसाइट पर जाएं। ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में गिवेन है, इस वेबसाइट पर फ़ौरन जाएँ और फ़ौरन जाकर आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कंप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक फ़ौरन से एक तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ। पहले अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, अपना नाम बताएंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका सीट नंबर है, वो सीट नंबर आप लिखेंगे। पेपर का जो कोड आपके पास था वो कोड लिखेंगे। उसके बाद जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता था कि ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम थी, तो वो क्वेश्चंस आप लिखने के बाद, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो क्वेश्चंस लिखने के बाद फॉरन से ईमेल सेंड कर दें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक दिखाऊं। जैसे एग्जाम्पल है, स्टूडेंट नेम आप अपना लिखेंगे, कोड बी है, ये बी कोड के जिसकी डिटेल हमारे पास आई है। फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चन थे जिनमें एरर था या आउट ऑफ सिलेबस थे, केमिस्ट्री में ये वाले सारे क्वेश्चन थे जिनमें एरर था, और बायो के ये वाले सारे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो ये वाले सारे क्वेश्चन फ़ौरन से देख लें, इनके नंबर्स याद कर लें, और ये क्वेश्चन जाकर वहाँ पर आप अपलोड कर दें और अपनी जो चैलेंज है, अपना जो कंप्लेन है, वो जनरेट कर दें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ईमेल दिखा रहा हूँ। जैसे XYZ अपना नाम लिख दिया, सीट नंबर आपने, जो भी आपका सीट नंबर था, 00 फॉर एग्जाम्पल, 123 या कुछ भी है, और कोर्ट का पेपर लिख दिया। इस तरह से पूरा एक फॉर्मेट बनाया, उसमें आपने पूरी डिटेल बता दी। बताने के बाद वो सारे नंबर्स मेंशन कर दिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबी जनरेट नहीं कर पाए तो कम से कम सिर्फ क्वेश्चन नंबर बेसिक जो है वो कम से कम लिख दीजिएगा, ताकि उन तक ये आपकी बात पहुंच जाए कि इन इन क्वेश्चंस में एरर है, तो वो क्वेश्चन जो है वो चेक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा फॉर्मेट बना हुआ है आपके पास। तो ये पूरा फॉर्मेट एक दफ़ा देख लें, और फ़ौरन से जाकर, 6 बजे तक का आपके पास टाइम है, फ़ौरन से जाकर उस वेबसाइट पर अपनी जो कंप्लेन है वो जनरेट कर दें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।